हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑफिशियल का। दोस्तों, आजकल हमारी खान पीन सही ना होने की वजह से सबसे ज्यादा हमारे बाल पे ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। आजकल सबसे ज्यादा जो केस देखने को मिलते हैं हर किसी में, हर कोई व्यक्ति बालों के झड़ने से बहुत ज्यादा परेशान होता है। अगर वो सही समय पे इलाज नहीं करता है या अपने बालों का देखभाल नहीं करता है तो वो परमानेंटली गंजा भी हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ट्रू लॉन्ग हेयर ऑयल के बारे में, जो कि एक नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है। जो ट्रू लॉन्ग हेयर ऑयल होती है, कितना आपके बालों को झड़ने से रोक सकता है, आपके बालों की डेंसिटी को कैसे बढ़ा सकता है, कैसे घना कर सकता है, साथ ही साथ ये जो ट्रू लॉन्ग हेयर ऑयल होती है आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और बात करते हैं ट्रू लॉन्ग हेयर ऑयल के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो ट्रू लॉन्ग हेयर ऑयल होती है, ये बिल्कुल जड़ी बूटियों से मिलकर खासकर तैयार की गई। आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 100 ml की क्वांटिटी में आती है, जिसकी MRP आपको 399 रुपए पड़ जाती है। बात करें इसके कुछ सॉल्ट के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में, तो जैसे इसमें सिकाकाई होती है, आंवला होती है, एलोवेरा होती है, नीम होती है, तुलसी होती है, जटामांसी होती है, रीठा होती है, साथ ही साथ इसमें भृंगराज होती है, जो कि आपके बालों के लिए काफी ज्यादा कारगर होती है। चलिए बात करते हैं ट्रू लॉन्ग हेयर ऑयल के हेल्थ बेनिफिट के बारे में। तो इसका फर्स्ट यूज होता है, जैसे अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हो चुके हैं, आपके बालों की जो जड़ें होती हैं, रूट जो होती है, बहुत ज्यादा पतले होने की वजह से वहां की रूट कमजोर हो चुकी है, ऐसी कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बालों को डेंसिटी को बढ़ाता है, यानी कि घना करने का काम करता है, आपके बालों को शाइनिंग लाने का काम करता है। और जो आपके बाल रूखे होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बार बार बहुत ज्यादा टूटना शुरू हो जाते हैं, तो आपके बालों को शाइनिंग करने के साथ जड़ों को मोटा करता है, और बालों को मोटा करने के साथ साथ उनकी डेंसिटी को बढ़ाने के साथ साथ आपके स्कैल्प के जो ब्लड सर्कुलेशन होते हैं उनको इम्प्रूव करने का काम करता है। जब भी आपके स्कैल्प यानी खोपड़ी के जो ब्लड सर्कुलेशन होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो आपके बालों के जो जड़ होते हैं, जो रूट होते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट मिलती है, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो कि क्रिएटिनिन होती है, वो अच्छी मात्रा में आपके जड़ों को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ने की, हेयर फॉलिंग की समस्या ठीक होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ ये आपके बाल को रीग्रोथ करने का भी काम करता है, ये इसके बेनिफिट होते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपके बाल तब भी नहीं रुकते हैं तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट लेने की जरूरत है, जैसे मल्टीविटामिन हो गया, हेयर ब्लेस हो गया, बायोटिन हो गया, या हरी सब्जियां, इन सभी चीजों को आप अपने डाइट में लेना शुरू कर दे, क्योंकि कभी कभी हमारे बॉडी में जैसे जिंक की कमी हो जाती है, पोटेशियम आयरन की कमी हो जाती है, मिनरल्स की, विटामिंस की कमी हो जाती है, केराटिनिन की कमी हो जाती है। केराटिनिन एक प्रोटीन होती है जो कि हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होती है, तो इनकी जब कमी हो जाती है तो हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये दोस्तों ट्रू लॉन्ग हेयर ऑयल के हेल्थ बेनिफिट होते हैं। बात करें आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो आप मेल हो या फीमेल हो, आपको थोड़ा सा हेयर ऑयल लेना, ठीक है, अपने फिंगर टिप पे इस तरह से लगाना है और आपके बालों की जड़ों तक मसाज करना है, इस तरह से, ठीक है, जड़ों के अंदर तक मसाज करना है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक अच्छे से अपने फिंगर टिप के माध्यम से बालों की जड़ों तक मसाज करें, देन उसके बाद आप सो जाएं, सुबह में इसको धुल लें। हफ्ते में आप 3 से 4 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल ये आपके लिए सेफ होता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर नॉलेज मिली होगी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, टेक केयर, बाय।